नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलोअप। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। आप सभी को पता है कि फिलहाल झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज से ही विधानसभा सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू हुई है। और आज सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद जो औपचारिकताएं होती है वो पूरी हुई, और उसके बाद सत्र की जो कार्यवाही है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन उससे पहले विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला वो फॉलोअप के जरिए आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस तरह से जो साहेबगंज के बोरियों में जो राजापिता हत्याकांड पहाड़ का अंजाम दिया गया है, और इसके अलावे जो नियोजन नीति को लेकर फिलहाल जो झारखंड के युवा सड़क पर हैं वो उसका जो मुद्दा है विधानसभा के अंदर बाहर भी देखने को मिला। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। और इसी बड़ी खबर के साथ हम लोग लाइव जो है जुड़े हैं। मैं हूं सनी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी संजय। इस बड़ी खबर पर बात करेंगे। बड़ी खबर ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिन के 3 बजे राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के बीच क्या कुछ चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, ये किसी से कुछ छुपा नहीं है। जब ये तय होता है कि एक किसी कार्यक्रम में दोनों को उपस्थित होना है तो कोई एक उपस्थित नहीं होते। आपने देखा कि जो झारखंड राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री इंतजार करते रहे और राज्यपाल नहीं पहुँचे। लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई है वो खबर ये है कि मुख्यमंत्री कल राज्यपाल से मिलेंगे, और राज्यपाल से अकेले नहीं मिलेंगे बल्कि कई दलों के विधायकों के साथ जाकर वो राजपाल से मिलेंगे। राज्यपाल से क्यों मिलेंगे ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, और इसी मसले पर डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, राज्यपाल से कल 3 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुलाकात करेंगे। अब मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं और झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ महीनों से जो दृश्य परिदृश्य बन रहा है तो कई लोगों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं कि मुख्यमंत्री क्यों विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। तो अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, इसी बीच जब मिलने जा रहे हैं तो क्या बात होगी? देखिए, दो ठोस बातें हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री जा रहे हैं, और कल जब मुलाकात होगी राज्यपाल रमेश बैस से, उस दौरान मुख्यमंत्री अपने डेलीगेट्स के साथ यह मांग करने वाले हैं। आपको याद होगा कि पिछले बार जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें दो महत्वपूर्ण विधेयक जो है, जो एक लंबित मांग पूरे झारखंड के दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो एक था कि 1932 आधारित स्थानीयता, और एक आरक्षण का मसला था ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी, इन सारे लोगों का जो आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था। ओबीसी आरक्षण का जिक्र इसलिए हम लोग ज़्यादा मीडिया में इस हेडिंग के साथ खबरें बन जाती है क्योंकि ये 14% से 27% करने का मांग जो है, और एक मैनिफेस्टो में था महागठबंधन का, 1932 भी था। तो ये दोनों जो विधेयक पारित किया गया विधानसभा से, उसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने। और इसके पीछे ये क्यों चीज़ें तय हुई कि जाना चाहिए राज्यपाल के पास, वो दर्शकों को बताना ज़रूरी है कि आज जब सदन की कार्यवाही जब पहली पाली के बाद कल तक के लिए, मंगलवार 11 बजे तक के लिए जब स्थगित कर दिया गया, तो कार्य मंत्रणा की बैठक के दौरान जो है, जिसमें जो आज पहली पाली में जो स्पीकर ने कार्य मंत्रणा समिति की जो घोषणा की की थी, उस बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि हम लोगों को जो है, सभी विधायकों को जो है, चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी दल के नेता हों, वो लोग राज्यपाल के पास जाएं। और जाने के पीछे का मंशा वो ये बता रहे थे कि वो जिस तरीके से खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं और जगह जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो युवक मिल रहे हैं उनसे, वो आरक्षण और स्थानीयता के मुद्दे पे जो है काफ़ी संवेदनशील हैं, और वो कई सारी चीज़ें इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लग रहा है कि आनन फानन में जल्दी से जो है 1932 जो विधानसभा से पारित हुआ है, आरक्षण का मसला जो विधानसभा से पारित हुआ है, उसका लाभ लोगों को मिलने लगे। अब देखिए, इसमें क्या है कि वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही पता है कि एक कितना जल्दी लाभ मिल पाएगा, इसमें समय लगेगा, चूंकि नौवीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र के पास भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ है, तो ये भेजेगा कौन?
विधानसभा राज्यपाल को भेजा है। अब राज्यपाल उस पर अपनी पूरी गहन अध्ययन वगैरह जो भी करना होता है, चूँकि देखिए पिछले कई महीनों के अंदर कई सारा विधेयक भी राज्यपाल ने लौटाया है, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर के ये एक संदेश देना चाहते हैं और साथ ही साथ राज्यपाल से आग्रह करना चाहते हैं कि भाई ये जो स्थानीयता का मुद्दा है जो कि विधानसभा से पारित करके आपके पास भेजा गया है, आरक्षण का जो मसला है जो कि आपके पास भेजा गया है, इसको आप केंद्र सरकार के पास भेजिए इस आग्रह के साथ कि ये झारखंड के लिए बेहद ही जरूरी है। तो इस चीज़ का जिक्र जब कार्य मंत्रणा की बैठक में मुख्यमंत्री ने किया, तो चूंकि कार्य मंत्रणा समिति में कई सारे लोग हैं जो दूसरे दल के भी रहते हैं, वो सदन का संचालन के लिए कार्य मंत्रणा समिति बनती है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि उस समिति में कौन कौन से लोग हैं जो मुख्यमंत्री के अलावे जो कि उस बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, सत्यानंद भोक्ता राजद से हैं, सीपी सिंह बीजेपी के, सुदेश महतो आजसू से, सर्वदलीय राय नहीं, एक तरीके से ये सामंजस्य बैठाने के लिए कि भाई जो सदन चल रहा है उसमें सबकी सहमति, मुद्दे उसी हिसाब से तय होते हैं कार्य मंत्रणा में, तो उसमें जब ये चीज़ें आई तो वहाँ पे सीपी सिंह ने कहा कि ये चूंकि मसला जो है वो सदन के अंदर तो होना नहीं है और सदन के बाहर अगर कुछ आपको करना है तो उसके लिए कार्य मंत्रणा समिति में बैठक में उसका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं बनता है और वो होना भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा, सीपी सिंह ने ही कहा कि भाई आप इसको लेकर के अगर आप संवेदनशील हैं तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों को, MLAs को आप पत्र लिखिए और जिनकी इच्छा होगी वो जाएंगे आपके साथ, तो उसके बाद ही आप देखिए कि IPRD के जरिए जो है मुख्यमंत्री का जो सूचना विभाग है, सूचना विभाग के जरिए एक पत्र प्रेस वालों को हम लोगों तक जो है पहुंचाई गई है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय लोगों को उनका हक एवं वंचितों को आरक्षण देने हेतु सभी दलों के नेताओं एवं निर्दलीय विधायकों को लिखा पत्र। मतलब कि पत्र जा चुका है, समय भी मिल चुका है, आखिरी जो पैरा है कि राज्यपाल से मिला समय, अन्य दल भी हों शामिल, जिसमें ये बाकायदा अपील किया जा रहा है कि वर्तमान में जो दोनों विधेयक है राज्यपाल के कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं, जो चीज़ें मैं पहले ही बता रहा था कि विधानसभा से जो पारित हुआ है वो राज्यपाल को भेजा गया है स्वीकृति के लिए, जब राज्यपाल स्वीकृति दे देंगे उसके बाद केंद्र को भेजा जाएगा ताकि वो जो नौमी अनुसूची में डाल करके जो एक सुरक्षा कवच देने की जो कोशिश है जैसा कि दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री लगातार, और उसका बाकायदा इसमें जिक्र भी किया है इन्होंने कि देखिए वो लिखते क्या हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही एक बार फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2021 में गठित नियोजन नीति को रद्द किया गया है। ये जो बार बार बीजेपी के लोग जो सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री और महागठबंधन के इस फैसले को लेकर के कि भाई अगर आपको 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू करना है, आरक्षण का लाभ देना है लोगों को, तो आप खुद में सक्षम है, स्टेट क्यों नहीं कर लेता है, ये केंद्र के पास भेजने का ये क्या है, ये तो आप झूठ मूठ का आप लटकाना चाहते हैं, जैसा कि युवा भी अब बोलने लगे हैं, विपक्ष के लोग भी बोल रहे हैं, तो उसी चीज़ को ये आधार बनाया जा रहा है कि देखिए हमने तो नियुक्ति नीति बना दी 2021 में, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इसी लेटर में जो है, प्रेस रिलीज में जो है, बाकायदा ये भी लिखा हुआ है कि पहले भी झारखंड बनने के बाद से जो है कई दफ़े यह कोशिश की गई है कि स्थानीयता परिभाषित हो, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा जो है इसको खारिज किया जाता रहा है। तो ऐसे में नौवीं अनुसूची में डालने से बेनिफिट से होगा कि वो जो है कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, न्यायालय उस पर सवाल नहीं खड़ा कर पाएगी, न्यायालय जो है उसको खारिज नहीं कर पाएगा। तो ये एक कोशिश है, एक आग्रह भी होगा राज्यपाल से कल जब लोग जाएंगे 3 बजे मिलना। सबसे दिलचस्प ये होगा सनी कि ये जो प्रतिनिधिमंडल कल मुलाकात करेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसमें क्या विपक्ष के लोग जाते हैं कि नहीं, बीजेपी के या फिर आजसू के या फिर जो निर्दलीय लोग हैं जो आज उम्मीद कम ही दिख रही है। हाँ, वो उम्मीद अब देखिए ये 4-5 घंटा पहले एक बैठक हुई, मतलब 5 घंटा नहीं, 8-10 घंटा पहले, तो ये जो बैठक में आप बता रहे हैं कि कार्य मंत्रणा में ये तय हुआ कि राज्यपाल से मिलना चाहिए। नहीं, कार्य मंत्रणा में तय नहीं हुआ। अच्छा। कार्य मंत्रणा में वही चीजें तय होती है जो कि सदन में जो होना है।
ये मुख्यमंत्री के मन में था, उनकी इच्छा थी, जिस पर एक भरवली, चूंकि आप और हम जब बैठक अगर ऐसे भी कोई मंत्रणा में ये बात रखी रखा गया कि मुख्यमंत्री चाहिए, नहीं मुख्यमंत्री ने ये बातें कही, लेकिन ये चीजें तय हुई है कार्यमंत्रणा की बैठक के बाद। मुख्यमंत्री का एक खुद का निर्णय है, और उसमें उस समय सलाह दिया गया था सीपी सिंह के द्वारा कि जिनको जाना होगा जाएंगे, भाई आप पत्र लिख दीजिए। ये जो अब चूंकि बैठक में तो हम लोग नहीं थे, लेकिन जो चीजें निकल करके आती है सूत्रों के मुताबिक, यही सारी चीजें बातें हुई थी उस वक्त। तो फिलहाल तो इंतजार करना होगा ये कि राज्यपाल के पास जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो उसमें उस प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन से दल के लोग शामिल होते हैं। चूंकि 1932 और आरक्षण के मसले पे किसी ने खुल करके कोई विरोध नहीं किया था, चाहे सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर। हाँ, एक सवाल जरूर किया गया कि मुख्यमंत्री और महागठबंधन की मंशा जो है सही नहीं है, वो एक तरीके से जो है सिर्फ लॉलीपॉप की तरह एक मुद्दा को जिंदा करने की कोशिश की गई है। तो अब इसमें यह है कि अगर इसका समाधान सभी पार्टियां चाहती है, अगर सिर्फ ये राजनीति के लिए एजेंडा बनकर के इसको जिंदा रखना नहीं है, तो अब सब लोगों को साथ में जाना चाहिए। अब ये तो कल तय होगा कि भाई कौन लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। अब सभी पार्टियों का अपना अपना नीति है किस तरीके से लोग काम करते हैं। तो फिलहाल एक कोशिश है, और ये जो इसमें राजनीति भी है, अगर बीजेपी के लोग नहीं जाते हैं, आजसू के लोग नहीं जाते हैं, निर्दलीय कुछ लोग जो आज के डेट में महागठबंधन के समर्थन में नहीं है, सरयू राय जैसे लोग जो शुरुआती समय में बकायदा पत्र लिख करके समर्थन जाहिर किया था, अब वो लोग नहीं हैं सरकार के साथ, तो ये लोग शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अगर बीजेपी के लोग नहीं जाएंगे तो उसमें भी राजनीति होगी। जेएमएम के लोग मुख्यमंत्री बोलेंगे कि भाई आप देखिए दो तरीके की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स भी है और एक आम जनता के लिए संदेश भी है, संदेश से ही पॉलिटिक्स है। तो बिल्कुल यही कोशिश की जा रही है। देखिए, कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, और जैसा कि संजय ने बताया कि अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा का, इस सत्र की कार्रवाई जब प्रथम पाली में खत्म हुई और सेकेंड पाली में जब कार्य मंत्रणा की बैठक हुई, दरअसल कार्य मंत्रणा की बैठक इसलिए की जाती है और इसमें सभी दलों के जो विधायक हैं, जो सदस्य हैं, वो मौजूद रहते हैं ताकि विधानसभा की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चले और सभी बातें उसमें आ सकें। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया कि राज्यपाल से मुलाकात किया जाए, और राज्यपाल से मुलाकात करने का समय ले लिया गया है। 3 बजे जो है मुलाकात होगी, और IPRD के जरिए जो प्रेस रिलीज हम लोगों तक मीडिया तक पहुंची है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि सभी पार्टियों को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, सभी विधायकों को पत्र लिखा है और सभी दलों को कहा है कि कल जब वो राज्यपाल से मिलने के लिए जाएं तो वो उसमें शामिल हों। अब मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं ये भी स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दिया कि स्थानीय नीति, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1932 खतियान के आधार पर जो स्थानीय नीति का मसला जो है पिछले दिनों कैबिनेट के बाद विधानसभा से पास हो चुका है और वो राज्यपाल के पास है, और दूसरा OBC आरक्षण, OBC को किस तरह से जो आरक्षण है प्रतिशत है वो बढ़ाया गया है, और जिसे लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष के तरफ से, लेकिन मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से इसी को लेकर खतियानी जोहार यात्रा निकाला जा रहा है और तमाम जो राज्य के अलग अलग इलाके में जो है मुख्यमंत्री घूम रहे हैं और वो बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी और प्रमुख खबर थी और इसलिए हमने सोचा कि आपको लाइव आकर जो है बताना चाहिए। लेकिन संजय, इससे ख़त्म करें लाइव, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में था, क्योंकि आज झारखंड के 3 जिलों में हजारीबाग, गिरिडीह और देवघर, ये लाखों की संख्या में छात्र उतरे, और चूंकि ये मसला ये है कि नियोजन नीति जो झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले दिनों रद्द कर दिया, अब छात्र अब युवा ये बोल रहे हैं कि ये सरकार जानबूझकर ऐसी नियोजन नीति बना रही है ताकि इसे जाकर अंतिम में रद्द कर दिया जाए, उसे कुछ नियुक्ति नहीं करना पड़े। तो छात्र अब बोल रहे हैं कि अगर छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं तब क्या ऐसे में ये सही है कि सरकार जो है सड़क पर उतरकर खतियानी जोहार यात्रा निकाले और खुद का स्वागत करवाए? आज विधानसभा में क्या इसे लेकर कुछ सुनने को मिला, कोई बात उठ पाई? मैं इसी पे आ रहा था, क्योंकि शुरुआत में जब आप लाइव का जब शुरू कर रहे थे तो आपने कहा कि नियोजन नीति और इन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। दुर्भाग्य ये है कि एजेंडा जो है वो बहुत ही सिलेक्टिव हो गया है पॉलिटिक्स का,
और आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई और समाप्त हुई और उसके पहले परिसर में तक, विधानसभा परिसर में तक नियुक्ति नीति जो रद्द हुआ है हाईकोर्ट की तरफ से, न पक्ष के लोग न विपक्ष के लोग एक शब्द भी किसी ने जिक्र नहीं किया नियुक्ति नीति को लेकर के, और कि बच्चे सड़क पर हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों। बीजेपी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष में बीजेपी है, घेरना बीजेपी को ही है। लेकिन मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि माले के विधायक विनोद सिंह ने शायद इस पर एक दिन के चर्चा के का प्रस्ताव रखा था और सीपी सिंह इसका समर्थन किए थे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो कार्यमंत्रणा की बैठक की बात है, ये सदन की कार्यवाही का मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ये जो सदन चला और सदन में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मंत्रणा में बात सदन के। आज तो वैसे भी बहुत कुछ नहीं होना होता है, लेकिन फिर भी जो विपक्ष के जो विधायक थे उनसे तो ये उम्मीद रहती है लोगों को कि भाई वो उनके आवाज को वहां तक पहुंचाए। लेकिन चूंकि एक ऑलरेडी एक जो रबिका पहाड़न का जो मामला है वो ज़्यादा गूंजा, हालांकि किसी मुद्दा को दूसरे मुद्दा से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हजारों की संख्या में बच्चे सड़क पर हों और अगर कोई विपक्ष का भी विधायक, विपक्ष का भी नेता जो है वहाँ पे कोई बोल नहीं रहा हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए कि नियुक्ति नीति को लेकर के एक शब्द का भी चर्चा नहीं किया गया, और तो और आप जो इस बात की जिक्र कर रहे हैं कि भाकपा माले के जो विधायक विनोद सिंह ने कार्यमंत्रणा में चूंकि देखिए कल जो सदन जो चलना है उसमें पहली पाली में तो अनुपूरक बजट पेश होगा, दूसरी पाली के मुद्दे अब तक तय नहीं है जो मेरी जानकारी है, और थोड़ी देर पहले भी कई सारे लोगों से जो बातचीत हो रही थी तो कार्य मंत्रणा में ये तय नहीं हो पाया कि कल सेकंड पाली में किन मुद्दों पे बातचीत हो गई। विनोद सिंह उसी कार्य मंत्रणा में ही जो है वो एक सजेशन दिए थे कि भाई आप जो है नियोजन नीति, नियुक्ति नीति जो रद्द हुई है उस पर एक डिस्कशन कर लिया जाए। सीपी सिंह भी चाह रहे थे कि ये हो जाए, लेकिन वो सहमति नहीं बनी कार्य मंत्रणा में उस पर। तो ये आप समझिए कि कितना कितने गंभीर हैं ये लोग। तो फिलहाल तो इस प्रेस रिलीज में भी जिक्र उन्होंने कर दिया है और एक तरीके से बचाव की मुद्रा में है कि भाई देखिए नियुक्ति नीति तो हमने 2021 में दिया लेकिन हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, इसीलिए तो हम लोग ऐसा ऐसे इस तरीके से अब नीतियां बना रहे हैं कि वो सीधे केंद्र के पाले में जाए और केंद्र नौवीं अनुसूची में डाल दे। तो अब इस तरीके से चीज़ें हो रही है, अब राज्य के जो युवा हैं वो समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे कि उनका वो समझ रहे हैं, और यही वजह है कि सड़क पर भी उतर चुके हैं और जैसा कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया है कि 21 दिसंबर को वो झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए भी वो पहुंचने वाले हैं। हम लोग कल उम्मीद करेंगे कि कुछ विधायकों से इस मसले पर जो है बातचीत कर सकें। शुक्रिया।